हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एस्पायरिंग लाइफ की तरफ से। और ये सेशन जो भी अभी देख रहे हैं या जो भी शेयर करें, ये उन सब बच्चों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इवन अगर आप आईआईटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि मोटिवेशन कैसे आए आप में और कैसे आप जज करें कि आपके लिए कौन सा करियर बेटर है। क्योंकि ये मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप नीट जैसा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। और मोटिवेशन आने से आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, और बिना कंसंट्रेशन के कोई भी स्टूडेंट नीट जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। बिना कंसंट्रेशन के आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर सकते। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है। वही आप जब पबजी की गेम खेल रहे हैं, आपका 100% कंसंट्रेशन है। 8 आवर्स 9 आवर्स तक एकदम और इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे ऐसे गेम के डेप्थ में जा रहे हैं, लेवल हार्ड होते जा रही है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जा रहा है। ये वीडियो गेम में हो रही, बट सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों नहीं हो रही, बायोलॉजी में क्यों नहीं हो रही? क्यों? कहीं ना कहीं वहां पर एक मोटिवेशन है। एट द एंड ऑफ द डे आप गेम में जब आगे बढ़ते हैं, गेम को जब टॉप करते हैं, आप सबको बता सकते हैं, देखो इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, आई रीच दिस लेवल। आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में आते हैं, भाई आप तो बहुत अच्छा पबजी खेलते हैं, तो एक मोटिवेशन आता है। तो एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है। ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बहुत लोगों को बहुत इजीली आ जाती है, बट लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। क्योंकि बिना लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैथ, ये सब सब्जेक्ट्स में कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का टूल्स नहीं मिलेगा। देयर आर डिस्ट्रैक्शन एवरीवेयर। आपको फोकस करना, अगर खुद को करना है तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन से। डिस्ट्रैक्शन तो चारों तरफ रहेगा, थोड़े थोड़े चीज पे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। वही आप मुझे बताइए, जब गेम खेलते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन ही होता है। आप सबके बीच में बैठ करके गेम खेल लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, आपको मम्मी बोले खाना खा लो, आपको भूख लगा है, लेकिन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, हमारा गेम पे कंसंट्रेशन, गाने पे कंसंट्रेशन। कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, लेकिन अगर उसको नीट की प्रिपरेशन कराई जाए तो उसका मोटिवेशन नहीं है उस तरफ। तो जहां मोटिवेशन नहीं है, कंसंट्रेशन में नहीं हो, कि कंसंट्रेशन इज द की फॉर क्रैकिंग एग्जाम्स लाइक नीट, आईआईटी और एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो कंसंट्रेशन इज द पावर। कंसंट्रेशन आप कैसे मेजर करेंगे? जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगी जो आपके क्लास के टॉप 5 टॉप 6 बच्चे हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल और आपका कंसंट्रेशन लेवल में भी सेम नहीं है। क्यों? कैसे समझ में आएगा? अगर वो एक चैप्टर को पढ़ते हैं और उसे वो 4 घंटा 5 घंटा में समझ पाते हैं, आप सेम चैप्टर को पढ़ते हैं और आपको टाइम लगता है, 2 दिन लग जाते हैं, 2.5 दिन लग जाते हैं, आपको मन नहीं कर रहा है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको फेसबुक करने का मन कर रहा है, चैप्टर पढ़ते 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 आपको गेम खेलने का मन कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लैक कर रहा है। और ये कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन भी लैक। तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा, थोड़ा भी मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा मोटिवेशन के ऊपर और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की तरफ। आपको समझना पड़ेगा नीट का एग्जाम ये कंपटीशन ऑफ टॉपर्स है। 16 लाख बच्चे मेडिकल का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चे देंगे इस साल, जिसमें से ऑलमोस्ट 8 लाख ही नीट क्वालिफाई करेंगे। और टोटल सीट प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के अराउंड 78,000 है, जिसमें ऑलमोस्ट 35,000 ही गवर्नमेंट सीट है, जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे ट्राई कर रहे हैं। और प्राइवेट सीट के लिए भी कुछ बच्चे एलिजिबल होंगे, लेकिन उनके पास वो मनी बैकअप होनी चाहिए। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इस तरह का प्रेशर देते हैं। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स अपने सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में एक आ चुकी है कि अगर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बना तभी वो उसका करियर सेफ है, उसका फ्यूचर सेफ है। कई बार पेरेंट्स खुद अपने टाइम पे इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने वो सपोर्ट नहीं दिया, या उनके फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं एज एन इंजीनियर और एज एन डॉक्टर, उनको वो देख रहे हैं, लेकिन अब उनके बच्चों को वो चाहते हैं, अपने सपनों को उस पर थोप देते हैं। तो देखिए, पेरेंट्स को मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चों को भी समझना बहुत जरूरी है कि जो सपना उन पे थोपा जा रहा है, क्या वो सपना को वो पूरा कर पाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स के साथ आपको क्लियरली बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। देखिए, क्लास के टॉप पर जो टॉप 10 बच्चे होते हैं वो आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे में। मैं एक बहुत ही वेग कंपैरिजन दे रहा हूँ,
रिवर्ड्स बहुत बड़ी बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट का बहुत ही मीनिंग हो सकता है, बट अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ क्लास के टॉप 10 बच्चे, आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, ऐसे कितने स्कूल के टॉपर्स मिलके ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टॉपर्स की लड़ाई है, ये टॉपर्स की जंग है। इसमें अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपने क्लास में फिट होना पड़ेगा, टॉपर्स में आना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं आते हैं, फिर कई बच्चे होते हैं कि भाई हम ड्रॉप करेंगे, एक साल के लिए जाएंगे, एक कोचिंग में पूरा दिन भर पढ़ेंगे। देखिए कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो पैसा बनाती है वो टॉपर्स के पैसे से नहीं बनाते, वो बनाते हैं ऑर्डिनरी बच्चों के पैसे से। जो बच्चे टॉपर्स की फोटो देख करके, ये टॉपर्स की फोटो आती है बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, हमने हमारे बच्चे फर्स्ट आए हैं, उनकी स्टोरीज बनती हैं, कोई चाय वाले का बच्चा, कोई ऑटो वालों का बच्चा टॉप किया है, ये सारी स्टोरीज खरीद करके बड़े बड़े कोचिंग छपवाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में नाम आती है, और जो पेरेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर खोलते हैं और देखते हैं, जो फोटो देखते हैं उनको लगता है अरे कल ये तो मेरे बच्चे का फोटो हो सकता है, और उन्हें लगता है कि नहीं ये बच्चे, ये मेरा बच्चे का फोटो होना चाहिए, और ये अट्रैक्ट करते हैं पेरेंट्स को, और वो जाते हैं उस कोचिंग सेंटर में, 1.5 लाख 2 लाख फीस देते हैं पर ईयर, रहना खाना, मतलब 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो जाता है अगर 2 साल का कोचिंग सेंटर में प्रॉपर क्लासेस कराए। बट पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और बच्चों को उनको बताना चाहिए ये जो आप मुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये वर्थ है क्या। कोचिंग इंडस्ट्री तो 2 लाख करोड़ की बिजनेस है, 2 लाख करोड़ की बिजनेस है, और इसमें टॉपर्स कितने प्रोड्यूस होते हैं? टॉपर्स, सारे टॉपर्स तो कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं चलाते हैं, टॉपर्स की फोटो यूज होती है और एवरेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है, उसके बेसिस पे चलते जाते हैं। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए कैपेबल हैं। ऐसे बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो कोई एमसीआई टॉपर नहीं हो, या कोई नीट के टॉपर नहीं हो, ना एम्स के रैंक होल्डर हो, तो आपसे क्या मोटिवेशन लेना। मैं खुल के बताऊं, मैं किसी वैसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो आज का नहीं कर रहा हूं जो जो टॉपर्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि शायद उनको उनका मोटिवेशन ऑलरेडी है। ये मैं एवरेज स्टूडेंट, जो एक एवरेज स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बट अपना कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस टाइम पे कैसे कंप्लीट करना है, तो ये सारे जो एक कॉमन स्टूडेंट के टेंशन होते हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट ही था। क्लास 10 में 77% आए थे, उसके बाद मैंने साइंस लिया, दोस्तों ने बोला साइंस लेकर के अच्छी करियर बनती है, तो हमने भी साइंस ले लिया। साइंस लेके पता चला ये तो बहुत ही टफ है, काफ़ी मुश्किल होगा, तो पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई किया तो शुरू की तरह फेल होने लग गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, टेस्ट में पास नहीं कर पा रहे हैं, फिर कोचिंग की तरफ गए, कोचिंग में 1-2 टीचर से पढ़े, फिर वहां से कई तरह के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ जाके 6 महीने 7 महीने बाद मैं साइंस में एज अ सब्जेक्ट फिट हो पाया। तो सबसे बड़ी बात मैं आज जो शेयर करूंगा कि ये मोटिवेशन कहाँ से आया जिसके बाद मैंने अपने करियर को अच्छे से कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जब मैं स्टार्टिंग में साइंस लिया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत इश्यूज थे, मतलब इट्स वॉज नॉट ईजी, लगता था कि मैंने क्यों साइंस ले लिया, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो टॉपर्स के लिए हैं और मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, टॉपर्स नहीं था। क्लास 10 में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो मुझे दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा जस्ट टू टेक साइंस, मेरे स्कूल में मुझे साइंस के सब्जेक्ट भी नहीं मिला, तो ये सच्चाई है। तो उसके बाद मैं जब पढ़ना शुरू किया और सब्जेक्ट को मैं कंसंट्रेट करके देखने लगा तो मुझे लगा कि भाई ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी, तो मैथ्स देख लीजिए, फिजिक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, बायोलॉजी देख लें, काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए। फिर कोचिंग में अगर हमें भी गया तो शुरू के 2-3 कोचिंग में जा करके देखता तो ये सब टॉपर्स लोग हैं, उसके बीच में मेरे लिए काफी मुश्किल था। तो सबसे पहले मुझे रियलाइज हुआ कि बड़े कोचिंग में जा करके मुझे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े कोचिंग वाले मुझ पे पर्सनल ध्यान नहीं देते थे। मैं उनके कुछ ट्रायल क्लासेस किया तो उनमें बड़े बड़े टीचर्स आते थे और बड़ा सा ग्रुप रहता था और सबको पढ़ाया जाता था और अच्छा तरीके से पढ़ाया जाता था, बट जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, जैसे मैं उनके समय मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था कि भाई ये तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, मुझे बेसिक ही समझ नहीं आ रही, चैप्टर 1 समझ नहीं आ रहा, चैप्टर 2 चले जा रहे हैं, चैप्टर 2 में चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हो तब जाके चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व हो, तो इस टाइप से काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता था। मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं कभी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ता था, एक चैप्टर को पढ़ता था, जब 2-3 दिन लग जाते थे तब तक मेरे साथ वाले 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके रहते। तो मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? सब देखिए मोटिवेशन कई तरह के हो सकते हैं, मोटिवेशन कई तरह के हो सकते हैं, और मोटिवेशन अगर ना हो तो पढ़ाई करना विद कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल है। मोटिवेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं अभी अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं अभी
वैसे बच्चों के एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता हूँ जिनको हमने काउंसलिंग की है लास्ट 7-8 ईयर्स में, जिनकी मोटिवेशन थी टू क्रैक नीट, जिनका मोटिवेशन था टू बी अ डॉक्टर, जिनका मोटिवेशन था कि उन्हें डॉक्टर बनना ही है। एक मेरी स्टूडेंट थी जिनकी मदर कैंसर से मर गई थी, उनका एज ऑलमोस्ट जब शायद 10 या 12 साल का था, तो उनके मदर का डेथ हुआ था कैंसर से, तो ये उनके लिए मोटिवेशन बना कि अगर मेरी मदर कैंसर से मरी, अगर मैं आज डॉक्टर होती तो शायद मैं उनको बचा पाती, या ऐसा उनके अंदर मोटिवेशन आया, या फिर उनके मदर की एक आखिरी इच्छा होती थी, तो इस ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि भाई मेरे मदर का कैंसर से डेथ हुआ, मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं ऐसे कई माँ को बचा सकूं। तो ये भी एक मोटिवेशन, ऐसा एक मोटिवेशन आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना मोटिवेशन के सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो। एक और मोटिवेशन मैं शेयर करूंगा, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स का, क्योंकि चलिए उन सबके अपने पर्सनल, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ वो शेयर करते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं या क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस काउंसलिंग में वो शेयर करते हैं, तो मैं उनके पर्सनल चीजें मैं आपके साथ खुल के बता रहा हूँ, लेकिन मैं उनके नाम नहीं ले रहा। एक का मोटिवेशन मैंने दिया था, उनकी छोटी बहन है जो कि एक रेयर डिजीज से पीड़ित है, वो उसे बचाने के लिए मेडिकल की एजुकेशन में एडमिशन ली, मेडिकल में एडमिशन ली, अभी पढ़ रही है थर्ड ईयर में एक कॉलेज में, तो वो अपने सिबलिंग्स के सफरिंग को देखी और उसने लगा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो जो सफरिंग को देखना और उससे इंस्पायर होना कि भाई नहीं मुझे मेडिकल एजुकेशन के अंदर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मोटिवेशन हेल्प करता है टू इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड देन फोकस ऑन अ सब्जेक्ट। एक और बच्चे का था, वो एक गांव से आया हुआ था और वहां पर बोला उस गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं है, किसी का भी तबीयत खराब होता है उसे जाना पड़ता है सिटी, वहां जाके बेसिक मेडिसिन के लिए भी उसे गांव से निकलना पड़ता है, तो उसका मन था उस गांव में एक डॉक्टर बने और वो खुद उस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना शुरू किया, वहां से नीट का एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद अब्रॉड ही गया, लेकिन विलेज उस विलेज को पहला डॉक्टर बन करके लौटेगा जब वो FMG का एग्जाम क्लियर कर लेगा, तो ये उसकी मोटिवेशन थी जिसके कारण वो डॉक्टर बनना चाह रहे। कईयों का मोटिवेशन होता है कि उन्हें लाइफ बचाना है, कईयों का मोटिवेशन होता है कोई बड़े डॉक्टर जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी, कईयों के मोटिवेशन है उन्होंने हार्ट सर्जरी के ऊपर इतना सस्ते में ऑपरेशन करवा, हॉस्पिटल्स खुलवाए जहां पर सस्ते में ऑपरेशन होते हैं, उनको देख करके कई लोग मोटिवेट हुए कि इनके ऐसा मुझे बनना है, और मोटिवेट होकर के फिर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मोटिवेशन लैक कर रहे हैं, तो फर्स्ट आप किसी ना किसी चीज को एक मोटिवेशन के टूल के हिसाब से यूज करें, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई मोटिवेशन, आप क्यों बनना चाहते हैं, क्यों नीट क्रैक करना चाहते हैं, कि नीट में अच्छा रैंक क्यों आना चाहिए आपका, इस चीज पे अगर आप वर्क नहीं करते तो बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना। तो लॉजिक वही है कि हर इंसान इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान की अपनी खुद की खूबी होती है। आप अगर साइकिल चलाते हैं और आप बाइक चलाते हैं, दोनों की अपनी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आप रेसिंग में भाग लेते हैं तो मोटरबाइक जीत जाएगी, साइकिल हार जाएगी, लेकिन अगर पेट्रोल ना हो तो साइकिल जीत जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा आपके रिसोर्सेस क्या हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। अगर आप में कुछ अलग सब्जेक्ट का पढ़ने का टैलेंट है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी को इंग्लिश ऑनर्स करना है, किसी को मैनेजमेंट चूज करना है, तो अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। माँ बाप अगर आपको कोचिंग सेंटर में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं भाई मैं 5 लाख लगा करके चाहता हूँ आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो उनको आप समझाइए पहले खुद समझ करके कि भाई आप ये जो मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जुआ खेल रहे हो उसमें मेरा चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है, इससे अच्छा तो आप लॉटरी की टिकट खरीदें, क्योंकि वहां पर भी चांसेस बहुत हैं लॉटरी लगने की। लेकिन अगर आप पे वो लॉटरी खेल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उस लायक है कि नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस जरूर करें, और पेरेंट्स को भी समझने की बहुत जरूरत है कि अपने सपनों को मत ला दें अपने बच्चों को, आपके बच्चों का खुद का टैलेंट है किसी ना किसी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उनको जीने दें, और अगर सच में आप चाहते हैं कि अपने सपनों को उन पे दें तो पहले उनको वो मोटिवेशन दें। सीधा कोचिंग का पैसा दे दिया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बच्चे को टॉप करना है, बच्चे को रैंक लाना है और डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, इस तरीके से अगर करेंगे तो आप अपने घर वाले अपने बच्चों के साथ भी बिजनेस करें। जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो मैं उनको भी क्लियर यही बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में चाहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना और चाहते हैं कि वो बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाई करें, तो सिर्फ बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग में डालने से ऐसा नहीं हो सकता,
उनको मोटिवेशन आपको करना पड़ेगा। और ऑर्डिनरी पीपल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके निकल जाते हैं अगर वो राइट डायरेक्शन में। अगर आपका डायरेक्शन राइट नहीं है, आप किसी गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो आप बहुत तेज दौड़ करके भी रेस नहीं जीत सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दौड़ना जितना इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोले मैं बहुत हार्डवर्क करके सब कुछ कर लूंगा, सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करते हैं आज के जमाने में? सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करते हैं? लेबर्स करते हैं, मजदूर करते हैं। उनसे हार्डवर्क तो हम लोग नहीं करते ना। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और शाम को दो रोटी खाते हैं। उनसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करते हैं? तो हार्डवर्क से आप नीट क्रैक कर लेंगे, हार्डवर्क से आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ये सोचना गलत है। आपको हार्डवर्क के साथ राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। राइट डायरेक्शन और हार्डवर्क दोनों मिलता है तो स्मार्ट वर्क बनता है। स्मार्ट वर्क का एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से वही बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी टैलेंट है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। अगर आप ऑर्डिनरी टैलेंट हैं तब भी आप नीट निकाल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं टॉपर्स के ऐसा समझ नहीं पा रहा हूँ, एक चैप्टर पढ़ने में मुझे 2-4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे मुझे समझ में आता है, वही मेरे टॉपर्स क्लास के या मेरे फ्रेंड्स जो है जो अच्छा पढ़ते हैं उन 2 घंटे में उस सम्स को समझ पा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस इंप्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन वो सब चीज़ों के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड है। छोटे छोटे चीजों पे हार मान लेने का अगर आपका एटीट्यूड है कि नहीं ये चैप्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे से नहीं होगा, तो फिर मुश्किल है। कुछ मैं पर्सनल फीलिंग्स शेयर करूंगा आपके साथ जाते जाते। जब मैं क्लास 11 में गया था, मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी थी। मैं अपने स्कूल में गया, नए स्कूल में गया, नए फ्रेंड्स बनाए। काफी दुख हो रहा था कि जहां पर मैं क्लास 10 तक जिन फ्रेंड्स के साथ पढ़ा था मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे और मुझे साइंस नहीं मिला उस स्कूल में, तो दूसरे स्कूल में साइंस लेना पड़ा। फिर मैं उस स्कूल में गया, वहां पर गया, देखा साइंस तो बहुत मुश्किल हो गया, काफी मुश्किल है। फिर धीरे धीरे कोचिंग में गया, मैंने कुछ फ्रेंड्स बने, उन फ्रेंड्स के साथ पढ़ने लगा, तो वहां पर मुझे उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं पढ़ाई शुरू किया और अच्छे से पढ़ने लगा। जो चैप्टर कल पढ़ाने वाले हैं आज ही उसको पढ़ के चला जाता था ताकि दूसरे दिन क्लास में मैं अच्छा बोल सकूं। धीरे धीरे 2-3 महीना ऐसा ऐसा करते करते अचानक से ये हैबिट हो गई, क्योंकि टीचर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए। जब आपके टीचर्स आपके कोचिंग में हो, स्कूल में, उनके एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाते हैं, तो एक मोटिवेशन आती है। मुझे उस तरीके से मोटिवेशन, जो टीचर ने मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन लिया था तो बोले थे कि नहीं शायद लग रहा है आप साइंस लेकर के गलत किए, 6-7 महीने 8 महीने बाद वो मुझसे इंस्पायर होकर बोलने लगे, नहीं मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बेटर मार्क्स ला सकते हो। आप जितना 100 में अगर 90 ला रहे हैं तब भी बोलते हैं कि मैं मुझे उम्मीद थे आपसे इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। कोचिंग में भी धीरे धीरे सारे बच्चे, सारे फ्रेंड्स, उनके उनकी आंखों में एक आने लगा कि भाई ये बेटर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन मेरे लिए बनता चला गया, एक शो ऑफ ही समझ लीजिए, उनको दिखाने के चक्कर में पढ़ता गया। और 12th में आकर के मैंने अपने स्टेट लेवल पे अच्छी रैंक लाई, और इतना अच्छा रैंक लाया जिस स्कूल में से मुझे निकाला गया था वहाँ के टॉप 5 बच्चों में जो रैंक थे वहाँ पर रैंक थे मेरे स्कूल से। तो उस दिन मुझे लगा था कि मोटिवेशन अंदर से जब आती है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स उतने मैटर नहीं करते, और जब आप मोटिवेटेड हो जाते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। आपको एक्सटर्नली बहुत सारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पर आपको लगता है कि अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो वो गलत तरीके से उनको क्या आंसर देंगे, अगर आपका चैप्टर अच्छे से सॉल्व नहीं करें तो नेक्स्ट डे टीचर क्या बोलेंगे। इस टाइप से जब आप टीचर्स के साथ जुड़ते हैं, इसलिए मैं कोचिंग में हमेशा बिलीव करता हूँ कि बड़े बड़े कोचिंग के नाम से ज्यादा पर्सनलाइज्ड कोचिंग अभी भी मैं बिलीव करता हूँ ज्यादा बेटर। एटलीस्ट मेरे ऐसे स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट था, 70% के रेंज में स्टूडेंट जो लाने वाले बच्चा फिर जाकर के टॉप 2000 रैंक लाने का अगर साहस रख सकता है, तो इसी तरीके से हो पाया था। ये पर्सनलाइज्ड कोचिंग ने मुझे हेल्प किया था। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप समझ ही सकते हैं, जिसको स्कूल से निकाला हो 10 में जस्ट बिकॉज कि उसके साइंस में मार्क्स कम थे। उसके बाद 11th-12th में जाकर के भी शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, फिर जाके वहाँ पर पढ़ाई करना, कोचिंग में पढ़ना, कोई बड़े नाम नहीं थे कोचिंग के, छोटे छोटे टीचर्स के साथ जा के पढ़ के उनके यहाँ पर उनसे नॉलेज लेना, फिर धीरे धीरे परफॉर्म करना, और फिर
आखिर तक जाके वैसा परफॉर्मेंस जिस स्कूल से निकाला गया था, उस स्कूल के टॉप 5 बच्चों का जो रैंकिंग था, मेरा भी उस रैंक में से उनसे बेटर ही था कहीं से। तो उस समय मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कईयों का कई को मैं चाहूंगा इससे बड़ा अचीव करें, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ नहीं किया था मैंने, बट उस छोटे से बच्चे के लिए जिसे उस स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज उसके साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वो छोटा सा इम्प्रूवमेंट ही बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट। तो ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन में मैं जब ये सब कर सकता हूँ, तो वो बच्चे जो भी क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ आप अपने चारों तरफ देखिए, खोजिए, अपने पेरेंट्स में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, जो आपको इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके टू परस्यू योर करियर इन अ पर्टिकुलर फील्ड। वो डॉक्टर होने बनने के लिए हो, इंजीनियर बनने के लिए हो, आप एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हो कि पायलट बनने के लिए हो, जो भी बनने के लिए हो, आपको पहले अपने चारों तरफ एक मोटिवेशन खोजना, और उस मोटिवेशन के बिना आप एजुकेशन में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आप 4-5 घंटा बैठ करके पढ़ने का जो जिसके लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए, वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन के बिना नहीं आती। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, सब बड़े बड़े कोचिंग में बड़े बड़े टीचर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ये अभी सबसे बड़ी सोसाइटी की प्रॉब्लम। एनीवेज, जो आज लाइव जुड़े और मेरे इस वीडियो को देखें और फ्यूचर में जो देखेंगे भी आगे जा करके, सबको मैं थैंक यू बोलूंगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ टिप्स चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आप सबको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं हेल्प कर सकूं। देखिए, पढ़ाई, सब्जेक्ट नॉलेज, ये आज के ज़माने में बहुत जगह मिलते हैं, बट पढ़ने का तरीका सबका अपना होता है। मेरे कुछ तरीके से बहुत बच्चों का फ़ायदा हुआ था, मैंने खुद का मेरा फ़ायदा हुआ था, कुछ टिप्स को मैंने यूज़ किया, तो मैं डेफिनेटली इसको पब्लिकली शेयर करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को उसे फ़ोन कॉल ही बताऊँगा। ओवर द टाइम मैं उन सब चीज़ों को प्रॉपर फ्रेमवर्क में ला करके आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल एस्पायरिंग लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ मुझे बनाने का मुझे मोटिवेशन मिल सके। एनीवेज, थैंक यू सो मच।